हर आदमी अपने जीवन में सफल होना चाहता है, हर आदमी जीवन में ऊंचाई पर जाना चाहता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऐसे 7 गुण कि वो गुण हम हमारे जीवन में लाते हैं तो डेफिनेटली हम भी हमारे जीवन में ऊंचाई पर जाएंगे, सफल हो जाएंगे। मैं डॉक्टर दीपक गायकर मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, ट्रांसफॉर्मेशनल बिजनेस कोच मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये कोई पॉलिटिकली ओरिएंटेड भाषण नहीं है या वीडियो नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ने इसका सपोर्ट किया हुआ है, ना इसका कोई पॉलिटिकल पार्टी से संबंध है। मैं सिर्फ इतना ही लोगों को, मेरी कम्युनिटी को कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि हम हमारे आसपास के सक्सेसफुल लोगों से कुछ सीखते हैं तो हम भी हमारे लाइफ में बहुत सफलता पाएंगे। तो आइए आज बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के 7 ऐसे कौन से गुण हैं कि जो गुण या सीक्रेट्स हम हमारे लाइफ में लाते हैं तो हम भी सफल बन जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में हुआ। पिताजी के साथ में चाय बेचते थे। 8 साल की उम्र में खुद का स्टॉल लगा लिया, मगर धीरे 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 वो पब्लिक के लिए काम करना उन्होंने चालू किया और संघ के स्वयंसेवक से लेके बीजेपी का सदस्य बनने तक उनका सफर आगे आगे बढ़ता गया, जारी होता गया। उनका काम देखकर 7 अक्टूबर 2001 में उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया और 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक वे गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे। स्वतंत्र भारत में जन्म लिए हुए ऐसे पहले व्यक्ति मोदी जी है कि जो स्वतंत्र भारत में जन्म लिया और भारत के प्रधानमंत्री बने। 26 मई 2014 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली सबसे पहली बार और 30 मई 2019 को दोबारा प्रधानमंत्री की शपथ ली। आज उनकी उम्र 73 साल की है। दिन के 16-18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं। जो रिपोर्ट्स हम सुनते हैं देखते हैं उसके मुताबिक मोदी जी 4-6 घंटे, सिर्फ 4-6 घंटे नींद लेते हैं और काम करते रहते हैं। तो हम बात करेंगे आज ऐसे कौन से 7 सीक्रेट्स है कि जो हम हमारे जीवन में लाते हैं तो डेफिनेटली हम भी हमारे जीवन में ऊंचाई पर चले जाएंगे। नंबर 1 है विजन। ये आदमी में विजन है। मेरे जानकारी में ऐसा कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है कि जो ऐसी बात कर रहा है कि 2030 में हमारा देश कहाँ रहेगा, 2040 में कहाँ रहेगा, 2050 में क्या होगा, कोई बात नहीं करता। ये व्यक्ति को विजन है। विजन उसको बोलते हैं कि जो हम आँखों से देख नहीं सकते, आँखों से देखते उसको बोलते हैं आई साइट, आँखों से देख नहीं सकते दिमाग से देखते उसको बोलते विजन, कि हमारे देश का होगा क्या, हमारे देश के गरीब लोगों का क्या होगा, हमारा देश कहाँ जाएगा। एक ही व्यक्ति बात करने वाला है, विजन आगे क्या होने वाला है। यदि हमारा विजन है, हर व्यक्ति का विजन है, तो बहुत आगे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जा सकता है। दुनिया में 97% लोगों को गोल्स रहते नहीं है, 99% लोगों को विजन रहता नहीं है। बाकी लोग सक्सेसफुल इसलिए होते हैं 1-3% कि उनको आइदर गोल्स है या विजन है। नंबर दो है पैशन। पैशन मतलब एक काम के लिए जुनून, काम के प्रति प्यार, काम के लिए जाज्वल्य इच्छा शक्ति और बिना थके काम करना। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो और ऐसा काम कर रहे हो उसमें थकान ही नहीं है। ये आदमी 16-18 घंटे काम करता है। जो जानकारी प्रेस में है या लोगों को है उसके मुताबिक 4-6 घंटे सोते हैं, 16-18 घंटे काम करते रहते हैं दिन भर में, और वो पेशेंस ही हो सकता है। हम तो 2 घंटे काम करने वाले बोलते हैं नहीं अभी थकान आ गया, बोर हो गया, मतलब ऐसी बात करते हैं। और प्रधानमंत्री जी उनके माँ का अंत्य संस्कार करके तुरंत कुछ ही घंटे में फिर पब्लिक फंक्शन में शामिल हो गए और वहाँ उन्होंने उद्घाटन किया। ये पॉसिबल है असामान्य व्यक्ति को ही। हम तो ऐसा बोलते कि नहीं कोई निधन हो गया तो 13-13 दिन हम घर पे बैठेंगे और 13वीं होने के बाद में, शांति होने के बाद में फिर काम पे जाएंगे। पैशन में आदमी पैसे के लिए काम नहीं करता। पैशन में आदमी वाह-वाह के लिए, तारीफ के लिए काम नहीं करता। पैशन में आदमी थकता नहीं है। पैशन में आदमी बोर होता नहीं है। पैशन मतलब एक जुनून रहता है काम करने का और वो काम के प्रति बहुत ही प्यार रहता है उसको। नंबर 3, मैसिव एक्शन। कोई भी काम करते हैं मोदी जी तो मैसिव एक्शन लेते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं। जैसा मैंने बताया अभी 16-18 घंटे जब काम कर रहे हैं, मैसिव एक्शन ले रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्शन एक काम के ऊपर फोकस करके लेते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स आते जाएंगे। मैसिव एक्शन जो है वो रिजल्ट्स देती है। नंबर 4, टीम वर्क। इनके टीम में जो मिनिस्टर्स लोग हैं, इनके जो इनको सपोर्ट करने वाले बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो अधिकारी हैं, वो इतने लोग हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे ऐसे लोग कहाँ से ये पहुँच गए। उन्होंने चुन चुन के लोग लाए।
जिनको कोई पॉलिटिकल बेस नहीं था, जिनको कोई पब्लिक में कोई बेस नहीं था, मगर बहुत ही बुद्धिमान लोग थे, बहुत ही होशियार लोग थे, आज उनके कैबिनेट मिनिस्टर है। क्योंकि उनको मालूम है कि नहीं ये लोग कर सकते हैं, ये लोग टीम में रहेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो जो चुन के आना मुश्किल ही ऐसे लोग आज मिनिस्टर के लेवल पे क्यों है या मिनिस्टर के पोस्ट पे, इसलिए कि वो बहुत बुद्धिमान है और उनके उनके क्षेत्र में बहुत माहिर है, वो टीम वर्क उनके पास में। पांचवा जो है वो है रिलेशनशिप्स। कुछ ही क्षण में वो लोगों के साथ में रिलेशनशिप बना लेते हैं। आज एक ही हमारे देश का व्यक्ति है और दुनिया का शायद एक ही व्यक्ति होगा कि जिनके इतने सारे देशों के साथ में अच्छी रिलेशनशिप है, हमारे देश में ही नहीं बाकी देशों में भी रिलेशनशिप्स है। और रिलेशनशिप की वजह से आप कहीं भी कुछ भी लेवल पर अपने जीवन में जा सकते हैं, यदि आपकी रिलेशनशिप अच्छी है तो। जो काम पैसे से नहीं होते, जो काम फोर्स से नहीं होते, प्रेशर से नहीं होते, वो काम रिलेशनशिप से होते। रिलेशनशिप रखना बहुत ही जरूरी है, रिश्ते लोगों से बनाना। और आपके भी रिश्ते लोगों से तभी बन सकते हैं जब आप लोगों के लिए कुछ। कभी आपने सुना है मोदी जी का भाषण कि मेरे लिए ये चाहिए, मेरे लिए वो चाहिए? हम जब कभी बोलते हैं ना तो बोलेंगे नहीं नहीं मुझे तो ना इस साल गाड़ी खरीदना है, मुझे है ना इस साल इतने रुपए कमाने का, मेरा है ना बिजनेस यहाँ तक लेके जाने का है, ऐसा। वो तो लोगों के लिए बोलते हैं कि इनको ये चाहिए, उनको वो चाहिए, उनके लिए मैं कर रहा हूँ, देशवासियों के लिए कर रहा हूँ और लोगों के लिए। तो रिलेशनशिप वहाँ से बनती है कि लोगों के लिए आप खड़े हो। और जब आप लोगों के लिए खड़े हो, लोगों के लिए कुछ करते हो, तो रिलेशनशिप बहुत ज़बरदस्त बनती है। नंबर छः जो है वो है कम्युनिकेशन, संवाद कौशल्य। उनका संवाद कौशल्य बहुत ज़बरदस्त। भाषण आप सुनते रहोगे तो आपको लगता है नहीं और उन्हें बोलना चाहिए, क्योंकि उनके बोलने में, भाषण करने में एक विजन है, एक फ्यूचर के बारे में बात करते, क्या होने वाला उसके बारे में बात करते, लोगों के बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त है। एक लीडर जो रहता है उसका कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन रहता है। देखो विराट कोहली बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है, बैट्समैन है, या सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े बैट्समैन थे, कैप्टन नहीं अच्छे बन सके हो। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन इज व्हाट यू थिंक यू लाइक टू कम्युनिकेट टू द पीपल। सो व्हाट यू से, व्हाट यू थिंक एंड हाउ डू यू से व्हाट यू थिंक इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप क्या बोलते हो, जो आपका विचार है वो कैसा कम्युनिकेट करते हो लोगों को, वो बहुत महत्व का रहता है। और वो मोदी जी बहुत ज़बरदस्त करते हैं। कम्युनिकेशन आप बढ़ाओ और कम्युनिकेशन, जो भी आप बोलना चाहते हो लोगों को, कम्युनिकेट करना, लोगों को समझ, लोगों ने समझ लेना आपको क्या बोलना है, लोगों को लैंड होना, वो बहुत ज़रूरी है। और उसका एक पहली पायरी जो है वो है लिसनिंग, सुनना, कि वो लोगों को क्या कहना है, लोगों को क्या चाहिए, वो सुनना भी जरूरी है, तो आप अच्छे कम्युनिकेट कर सकते हो। सातवां है वचनबद्धता। जो वचन दिया वो पूरा करो। इलेक्शन के पहले बीजेपी का, मोदी जी का ये वचन था कि भाई 370 धारा हम कैंसिल करेंगे, रद्द करेंगे, राम मंदिर अयोध्या में बनाएंगे, और उन्होंने वो करके बताया। आज वचनबद्धता मतलब जो बोलते हैं वो करते हैं, उससे क्या होता है कि लोगों का विश्वास आपके ऊपर बैठता है। तो वचनबद्धता जो है कि बोले तैसा चाले तैची बंदा भी पावले, इसका मतलब ये होता है, मराठी में कहावत है कि भाई जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, उनके पैर लोग छूते हैं। या रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन दिया आपने और वचन पूर्तता की तो उसमें बहुत लोगों का विश्वास बैठता है। लोग वो आदमी को नमन करते हैं, वो आदमी की तारीफ करेंगे, वो आदमी को मान लेंगे कि जो बोलता है वो करता है। तो ये गुण है। तो ये जो मैंने बताया ये मैं फिर से दोहराता हूँ। नंबर एक विजन, नंबर दो पैशन, नंबर तीन मैसिव एक्शन और हार्ड वर्क, नंबर चार टीम वर्क, नंबर पाँच रिलेशनशिप रिश्ते बनाना, नंबर छः कम्युनिकेशन संवाद कौशल्य, नंबर सात वचनबद्धता। तो ये गुण हम लेते हैं उनसे। मैं बोलता हूँ कि हमने एक टक्का भी लिया ना इसमें से मोदी जी का, तो हम हमारे लाइफ में कहीं की कहीं चले जाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को जरूर शेयर करो। मैं चाहता हूँ कि डेफिनेटली हमारे जो आदर्श है, हमारे जो सक्सेसफुल लोग हैं, तो उनको देख देख कर हमने हमारे लाइफ में हम लाते हैं, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ भी बहुत अच्छी बन सकती है, सफल हो सकती है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करो। आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो।